तो ये आपका कर्व जो है एक्स थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन है। तो इसे कहा जाता है कि जो थीटा है ये एक्स को भी कंट्रोल कर रहा है और सेम थीटा वाई को भी कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व। ठीक है, जैसे अगर कोई भी आपका कर्व है, इस पे कोई पॉइंट पी आप पिकअप कर लेते हो एक्स कॉमा वाई है, तो इन दोनों ही पॉइंट्स को थीटा क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व। खैर, हमें डीवाई बाई डीएक्स निकालना है, तो चूंकि एक्स क्या है आपका, थीटा का फंक्शन है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए टाइम्स सेक थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो दैट इज डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपको तो याद होना चाहिए, क्या होता है सेक थीटा और सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक थीटा और टेन थीटा, तो दैट इज योर डी एक्स बाई डी थीटा से योर रिजल्ट नंबर वन। यहीं पे हम y को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि y भी हमारा क्या है, थीटा का फंक्शन है, तो b टाइम्स tan थीटा है, b टाइम्स tan थीटा, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका d बाई डी थीटा ऑफ y दैट इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ b टाइम्स tan थीटा, b कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है बाहर आ जाएगी, तो बी डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये सब आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए कम से कम, डी वाई बाई डी थीटा, लेकिन ना तो आपको डी वाई बाई डी थीटा निकालना है और ना ही आपको क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, निकालना क्या आपको डी वाई बाई डी एक्स, फिर रिलेशनशिप क्या होता है, तो सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दैट इज डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशंस को टू को वन से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका बी बी टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए टाइम्स सेक थीटा टेन थीटा। ठीक, तो एक तो सेक कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बी बाई ए और सेक और आपका क्या है टेन है, सेक थीटा क्या होता है वन बाई कॉस होता है, और टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है, तो दैट कम्स आउट टू बी बी बाई ए वन अपॉन कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर को लिख दिया हमने, ठीक है, जो सेक थीटा था, और टेन थीटा क्या लिख दिया हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, वन बाई साइन क्या हो जाएगा आपका वन बाई साइन कोसेक हो जाएगा, तो बी बाई ए कोसेक थीटा। ठीक है, हमेशा आपको जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन देखिए यही खत्म हो गया था, ठीक है, जो भी आएगा यहां पे ये आपका पार्ट सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, तो अगर सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए तो वहां तक हमें छोड़ना चाहिए आंसर को, तो यहां ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमने सिंप्लीफाई मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने रख दिया, दैट इज योर आंसर।